वेलकम टू माय चैनल मिश्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ओवन मशीन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप वेल्डर हैं और वेल्डिंग से संबंधित इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं यह जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। दोस्तों, वेल्डिंग से संबंधित यदि कुछ आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट करें, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। इस ओवन मशीन का प्रयोग इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए किया जाता है। यदि किसी कारणवश इलेक्ट्रोड में नमी आ जाती है तो उसे दूर करने के लिए ओवन मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन 0 से लेकर के और 300 डिग्री सेल्सियस तक इलेक्ट्रोड को गर्म कर सकता है। यह मशीन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह मदर ओवन होता है, बड़ा ओवन होता है, और यह ओवन जो होता है यह पोर्टेबल ओवन है। इसको जो है वेल्डर अपने साथ काम पर ले जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस मशीन के बारे में। यहाँ इस मशीन के सामने एक ढक्कन लगा हुआ है जिसको हम लोग खोलेंगे और देखेंगे कि नीचे एक इलेक्ट्रोड को रखने के लिए जगह बना है। इसमें हम लोग एक पैकेट रॉड को खोल करके और इसमें रख देंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। नीचे जो है एक लॉक है और लॉक को हम लोग लगा देंगे। यहाँ एक लॉक है, लॉक बंद हो गया है। इस मशीन में दो इंडिकेटर लगा हुआ है, एक जो है ग्रीन है, एक रेड है। जब मशीन में सप्लाई दी जाती है तो रेड इंडिकेटर जलता है और जब मशीन को हम लोग ऑन करते हैं इस नॉब को घुमा करके तो यह ग्रीन कलर का इंडिकेटर जल जाता है। इस मशीन में यदि 7018 के रॉड को गर्म करना है तो इसके पैकेट को खोल करके और हम इस रॉड को ओवन मशीन में रखेंगे और उसे गर्म करेंगे। 7018 का जो रॉड है वह पैकेट से यदि बाहर निकल जाता है तो 4 घंटे के बाद वह नमी प्रभावित हो जाता है। इसलिए इस रॉड को पैकेट से निकालने के बाद ओवन का प्रयोग करेंगे। अब हम ओवन मशीन में सप्लाई को देंगे। सप्लाई देने के बाद रेड इंडिकेटर जो है जलने लगता है। यहाँ जो है यह रेड इंडिकेटर जो है जल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका रेड इंडिकेटर जो है जल रहा है और जैसे ही इसके नॉब को हम घुमाएंगे यह ग्रीन इंडिकेटर जल जाएगा। अब हम इसके नॉब को घुमाते हैं, यह ग्रीन इंडिकेटर जो है जल गया है। इस नॉब को घुमा करके इस ओवन मशीन को हम अलग अलग डिग्री में सेट कर सकते हैं। यदि 7018 के रॉड को गर्म करना है तो इस मशीन में हम रख करके 300 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करेंगे 2 घंटा और उसके बाद उसका जो है टेम्परेचर हम कम कर देंगे और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटा गर्म करेंगे। उसके बाद उस रॉड का हम लोग प्रयोग करेंगे। उस रॉड को इस ओवन मशीन में हम लोग रखने के लिए सबसे पहले इसके ढक्कन को हम लोग खोलेंगे और रॉड को इस मशीन में रखेंगे। इसमें रॉड को रखने के लिए इसका जो कोर वायर होता है यह बाहर की तरफ होना चाहिए और उसका टोटल फ्लक्स जो है अंदर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद इस मशीन का ढक्कन हम लोग बंद कर देते हैं और मशीन को हम लोग चालू कर देंगे।